हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पल्स का सेकंड क्लास का सिक्स चैप्टर ले रहे हैं, जिसका टाइटल है द गैजेट टाक। गैजेट टाक का मतलब बच्चों, इट मींस इस पूरे चैप्टर में आपको ये पिक्चर्स दिख रही है। लुक एट दिस पिक्चर। इसमें आपको कंप्यूटर दिख रहा है, इसमें टीवी भी है, टेलीफोन भी है, सेल फोन है, ट्रांजिस्टर है, पोस्ट कार्ड है। बच्चों, रात के समय ये आपस में बात करते हैं, ये एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं अपनी जीवन के बारे में, कि वो कैसे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए आज हम इस चैप्टर में इन सभी गैजेट के बारे में पढ़ेंगे और ये क्या बातें करते हैं साथ में ये भी पढ़ेंगे। ओके बच्चे बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। मिस्टर फेरोज लिव्स इन द फोर्थ फ्लोर ऑन अ 9-story बिल्डिंग। जो मिस्टर फेरोज है वो 9 stories बिल्डिंग, मतलब 9 stories की बिल्डिंग है, जिसमें वो फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं। हिज ऑफिस इज इन हिज होम। जो उनका ऑफिस है वो उनके घर में ही है, मतलब जो नौ माले की जो बिल्डिंग है उसमें फोर्थ फ्लोर में फिरोज जो रहते हैं, मिस्टर फिरोज, उनका जो ऑफिस है वो घर में ही है। ही हैज अ लार्ज ऑफिस। वो एक, उनके पास एक बड़ा ऑफिस है। इन द ऑफिस देयर इज अ टेबल, अ फ्यू चेयर्स, अ काउच। जो उनके ऑफिस में देखिए क्या क्या चीज है, एक टेबल है, कुछ चेयर्स है, फ्यू मीन्स कुछ चेयर्स है, एंड अ काउच, और एक सोफा है। मिस्टर फिरोज हैज अ कंप्यूटर एंड अ फैक्स मशीन ऑन द टेबल। जो मिस्टर फिरोज है उनके पास एक कंप्यूटर है और फैक्स मशीन उनकी टेबल पे है। इट मींस बच्चों, जो टेबल है मिस्टर फिरोज की, उसके ऊपर एक कंप्यूटर है और एक फैक्स मशीन है। देयर इज आल्सो अ टेलीफोन। और उस टेबल पे एक टेलीफोन भी है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ही यूज हिज सेल फोन। इट मीन्स बच्चों, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मीन्स कि ज़्यादा समय है, मतलब जो मिस्टर फिरोज है वो अपना टेलीफोन की जगह अपना सेल फोन ज़्यादा यूज़ करते हैं। टेलीफोन मीन्स कम यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा वो सेल फोन यूज़ करते हैं। इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम देयर इज अ कलर टीवी। जो उनका ऑफिस है, जो उनका रूम है, उसके एक कोने पर क्या है, कलर टीवी है। ही ऑफ्टन वॉचेस न्यूज ऑन इट। वो अक्सर, ऑफ्टन मीन्स बच्चों अक्सर, वो टीवी पर क्या देखते हैं, न्यूज देखते हैं। कौन देखता है, मिस्टर फिरोज। But on some time days he watches a cricket or a tennis match as well. It means बच्चों, but on some days he watches a cricket or a tennis match as well. कुछ दिनों से मिस्टर फिरोज टीवी पर क्या देख रहे हैं, क्रिकेट मैच और उसके साथ टेनिस मैच। उनको पसंद है क्रिकेट मैच मिस्टर फिरोज को, इसलिए वो कुछ दिनों से टीवी पर क्रिकेट और टेनिस मैच देख रहे हैं। ही आल्सो हैज अ स्मॉल ट्रांजिस्टर विच रन ऑन बैटरी। उनके पास एक छोटा ट्रांजिस्टर है जो बैटरी से चलता है। बच्चों, बैटरी से चलता है इट मींस आपने बैटरी खिलौने देखे होंगे,
जिसमें हम बैटरी डालते हैं और उसको चलाते हैं। जब तक बैटरी चलती है वो खिलौना भी चलता है। ऐसे ही मिस्टर फिरोज के पास एक छोटा सा ट्रांजिस्टर था जो बैटरी से चलता है। ही यूज इट वैन देयर इज नो पावर। ही यूज इट वैन देयर इज नो पावर। जब उसमें पावर नहीं होती तो वो उसको यूज नहीं कर पाते। हिज वेटिंग टेबल इज ऑलवेज फुल ऑफ लेटर्स। जो उनकी वेटिंग टेबल है उस पर हमेशा ही लेटर रखे रहते हैं, मतलब वो टेबल हमेशा लेटर से फुल होती है। एनवलप्स एंड इवन पोस्ट कार्ड, उसमें एनवलप और पोस्ट कार्ड भी शामिल है। नाउ इट इज नाइट टाइम। अब क्या है, रात का समय है। मिस्टर फिरोज इज हैविंग डिनर विद हिज फैमिली। जो मिस्टर फिरोज है वो फैमिली के साथ क्या कर रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, रात का खाना। डिनर मीन्स रात का खाना। आफ्टर डिनर द फैमिली विल गो फॉर अ वॉक। खाने के बाद मिस्टर फिरोज की जो फैमिली है वो वॉक करने के लिए गई, घूमने गई। नाउ देयर इज नो वन इन द ऑफिस। और उनके ऑफिस में कोई नहीं था, ऑफिस बिल्कुल खाली था। रात के समय मिस्टर फिरोज ने अपनी फैमिली साथ डिनर लिया और वो वॉक पर चले गए और रात में ऑफिस में कोई नहीं था। ओके बच्चों, आइए अब देखते हैं हम आगे क्या है। सडनली द गैजेट्स स्टार्ट टॉकिंग टू वन अदर। अचानक ही जो मिस्टर फिरोज के ऑफिस में जो गैजेट रखे थे उन्होंने आपस में बात करना स्टार्ट कर दिया। कंप्यूटर, कंप्यूटर महाशय कहते हैं, हेलो फ्रेंड, इट इज़ सो क्वाइट। अरे यहाँ तो बहुत शांति है। आई कैन टेक रेस्ट नाउ। मुझे कंप्यूटर क्या कहते हैं, हेलो फ्रेंड, इट इज़ सो क्वाइट, यहाँ पे बहुत शांति है। आई कैन टेक रेस्ट नाउ, मुझे तो आराम चाहिए। आई वर्क सो हार्ड ऑल डे, मैं बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ पूरे दिन। कंप्यूटर जी कहते हैं मुझे आराम की ज़रूरत है और मुझे आराम करना है क्योंकि मैं सारा दिन भर बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत हार्ड वर्क करता हूँ। हार्ड वर्क मीन्स बच्चों कड़ी मेहनत करता हूँ। हाउ इम्पॉर्टेंट आई एम, मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हूँ। मिस्टर फिरोज इज़ हेल्पलेस विदाउट मी। जो मिस्टर फिरोज हैं वो मेरे बिना हेल्पलेस है, मतलब वो मेरे बिना कोई काम ही नहीं कर सकते। हेल्पलेस मतलब बच्चों जिसके बिना कुछ काम ही ना हो सके, वो मिस्टर फिरोज मेरे बिना कोई काम ही नहीं कर सकते। ही नीड्स मी ऑल द टाइम, उन्हें मेरी ज़रूरत हमेशा रहती है। ही सेंड और ब्रिंग हीज मील सो फास्ट। जो मैं मिस्टर फिरोज के जो मेल्स है वो जल्दी ही भेज देता हूँ। आई गिव हिम ऑल द लेटेस्ट न्यूज, और मेरे पास सारी लेटेस्ट न्यूज है, मैं सारी चीज़ों की जानकारी रखता हूँ। ऐसा कंप्यूटर बोलते हैं कि मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ और मेरे बिना मिस्टर फिरोज हेल्पलेस है और मैं जो ईमेल्स है वो बहुत जल्दी भेज देता हूँ और मेरे पास सारी जानकारी है, सभी सब्जेक्टों के ऊपर जानकारी है, मैं सारी चीज़ों की जानकारी रखता हूँ। तभी अचानक टीवी बोलता है, वेट अ मिनट, एक मिनट रुको। टीवी क्या कहता है, वेट अ मिनट, एक मिनट, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। आई नॉट इम्पॉर्टेंट, क्या मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ। आई एम देयर इन ऑलमोस्ट ऑल होम्स इन द सिटीज, मैं मोस्टली शहर के सभी घरों में रहता हूँ। टीवी कहता है कि क्या मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, क्यों मैं भी इम्पॉर्टेंट हूँ, मैं शहर के तकरीबन सभी घरों में रहता हूँ। बच्चों टीवी है जो मोस्टली, मतलब कि मोस्टली मीन्स ये इम्पॉर्टेंट है, सभी घरों में मिल जाता है। आई एम इन द विलेज चौपाल टू, मैं तो गांव की चौपाल तक पहुंच गया हूँ।
आई टेल फार्मर अबाउट द वेदर एंड फार्मिंग। मैं फार्मर्स मीन्स किसान, वेदर मीन्स बच्चों मौसम। टीवी कहता है कि मैं शहर के सभी घरों में रहता हूँ और मैं गांवों की चौपाल तक पहुँच गया हूँ और मैं किसानों को मौसम की जानकारी देता हूँ और उनको मौसम के बारे में बताता हूँ जो उनकी खेती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है चीज़ है। आई टीच वुमेन एंड चिल्ड्रन, मैं बच्चों और महिलाओं को पढ़ाने का काम करता हूँ, वो मुझसे सीखते हैं। आई ब्रिंग न्यूज़ अबाउट, और मैं उनको तरह तरह के न्यूज़ देता हूँ, जानकारियाँ प्रदान करता हूँ। ओके बच्चों, टीवी अपने बारे में ये कहता है। नेक्स्ट कौन है? ट्रांजिस्टर। 1 मिनट, ट्रांजिस्टर क्या कहता है? 1 मिनट, 1 मिनट। यंगर ब्रदर्स, मेरे छोटे भाइयों। आई एम ओल्डर देन यू, मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ। आई एम वेरी यूजफुल, मैं बहुत ही यूजफुल हूँ, मतलब मैं बहुत ही ज़रूरी हूँ। पीपल कैन कैरी मी टू हिल्स, सीज, डेजर्ट, एनीवेयर। जो लोग हैं मुझे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। कैरी मीन्स बच्चों अपने साथ ले जा सकते हैं। कहाँ ले जा सकते हैं ट्रांजिस्टर को? हिल्स, पहाड़ों पर, सी, समुद्र पर, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान पर, कहीं भी लेके जा सकते हैं क्योंकि वो तो वायरलेस होता है, वो तो बैटरी से चलता है। आई डो नॉट नीड एनी पावर टू वर्क, मुझे अपने काम के लिए किसी और पावर की ज़रूरत नहीं होती। जैसे स्विच लगाना होता है ऐसे मुझे किसी पावर की ज़रूरत नहीं होती है। डोंट आई डू द सेम वर्क एज यू, मैं भी आप ही की तरह सेम वर्क करता हूँ, मैं भी उनको जानकारियाँ देता हूँ। ओके बच्चों, देखिए आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ना, देखो ये आपस में बातें कर रहे हैं, देखो इनकी आईज दिख रही हैं कि माउंट दिख रहे हैं, देखो इसमें एक पीजन भी है। ओके बच्चों, नेक्स्ट किसकी टर्न है? कंप्यूटर। कंप्यूटर फिर कहता है, डेट इज राइट, ये तो सही है। यू आर वेरी हैंडली, तुम तो बहुत ही हैंडली हो। हैंडली मीन्स बच्चों सहायक, जो आपकी सहायता करता है उसको हैंडली बोलते हैं, जो आपका सहायक होता है उसको हैंडली बोलते हैं। सहायक मीन्स जैसे जो आपकी मदद करता है, जो आपको सभी तरह की न्यूज़ या किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करवाता है उसको आप हैंडली मीन्स सहायक। टेलीफोन, प्लीज़ लिसन टू मी, अब टेलीफोन कहता है कृपया मेरी बात सुनो। प्लीज़ लिसन टू मी, आई एम वेरी इंपॉर्टेंट टू, मैं भी बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ। आई केम बिफोर टीवी एंड द ट्रांजिस्टर, मैं टीवी और ट्रांजिस्टर से पहले आया हूँ। आई हेल्प एवरी वन एज आई कन्वे गुड एंड बैड न्यूज टू पीपल। मैं टेलीफोन कहता है कि मैं ट्रांजिस्टर और कंप्यूटर से टीवी से पहले आया हूँ और मैं लोगों की हेल्प करता हूँ अच्छी बुरी न्यूज को पहुँचाने में। आई मेक पीपल टॉक विद वन अनदर, मेरे द्वारा लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। आई मेक देम हैप्पी, और मैं उनको खुशी प्रदान करता हूँ। अब बच्चे के सेलफोन क्या कहता है? कैन आई आल्सो टॉक, मैं भी बात कर सकता हूँ। मिस्टर टेलीफोन, सेलफोन कहता है टेलीफोन, कैन आई आल्सो टॉक, मैं भी बात कर सकता हूँ। आई डू द सेम जॉब एज यू, मैं भी वही काम करता हूँ जो आप करते हैं। सेम जॉब मतलब बच्चों जो सेलफोन काम करता है वही टेलीफोन काम करता है। पीपल कैन कैरी मी एनीवेयर, जो सेलफोन है उसको लोग कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी कैरी कर सकते हैं। आई कैन आल्सो शो एंड टॉक पिक्चर, मैं पिक्चर दिखा सकता हूँ, मतलब हम सेलफोन होता है ना बच्चों, आपको भी पता है मोबाइल
सेल फोन को क्या कहते हैं, मोबाइल, उसमें पिक्चर्स दिखती हैं। आई कैन हेल्प पीपल लिसन टू म्यूजिक, मैं लोगों की मदद करता हूँ। कैसे करता हूँ, उनको म्यूजिक सुनवाता हूँ। सेल फोन में हम म्यूजिक भी सुन सकते हैं ना बच्चों। आई कैन सेंड मैसेज आल्सो, और मैं मैसेज भी सेंड कर सकता हूँ। बच्चों आप सभी जानते हैं मोबाइल के बारे में कि हम उसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं और उसमें पिक्चर भी देख सकते हैं, उससे म्यूजिक भी सुन सकते हैं, मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। आई एम सो यूजफुल, और मैं बहुत ही यूजफुल हूँ, ज़रूरी हूँ। ओके पोस्ट कार्ड, आप पोस्ट कार्ड की बारी है। पोस्ट कार्ड कहता है फ्रेंड लुक एट मी, दोस्तों मेरी बात सुनो, देखो मुझे, डोंट फॉरगेट मी, मुझे मत भूल जाना। आई एम द पुअर मैन फ्रेंड्स, मैं एक गरीब व्यक्ति का दोस्त हूँ। मतलब पोस्ट कार्ड कहता है बट फ्रेंड्स मुझे भी देखो, मुझे मत भूल जाना, मैं एक गरीब दोस्त का फ्रेंड हूँ, मतलब एक गरीब व्यक्ति का दोस्त हूँ। आई टेक हिज मैसेज एवरीवेयर, वो हमेशा मैसेज को जगह जगह पहुँचाता है। आई कॉस्ट सो लिटिल, और उसकी जो इसकी कॉस्ट है पोस्ट कार्ड की वो बहुत ही कम है, लिटिल है, बहुत ही कम है। आई एम नॉट, मैं नहीं, जस्ट देन द पिजन वर्क अप, मैं पिजन की तरह वर्क नहीं करता। ही वॉज स्लीपिंग ऑन द विंडो सील, की वो लोगों की छतों पे सो जाता है, वहीं रहता है। अब पिजन की बारी है। देखो पिजन क्या कहता है, डू नॉट फाइट ब्रदर्स, कि भाइयों एक दूसरे के साथ झगड़ा मत करो। आई एम ओल्डर देन ऑल ऑफ यू, मैं आप सबों से बहुत पुराना हूँ। ओल्डर देन ऑल ऑफ यू मीन्स मैं आप सबों से बहुत पुराना हूँ। ऑल ऑफ के मच लेटर, मैं आप लोगों से पहले आया हूँ। आई टुक लेटर राउंड माई नेक बिफोर एनी वन ऑफ यू अराइव्ड, कि मैं अपनी गर्दन पर मैसेज लेके जाता हूँ और उनको पहुँचाता था। इवन किंग्स यूज मी टू सेंड मैसेज, और तो और जो राजा लोग होते थे पहले ज़माने में, जो राजा लोग होते थे वो भी मेरा यूज़ करते थे मैसेज पहुँचाने में, वो मेरी गर्दन पर मैसेज चिट्ठी लिखकर और मेरी गर्दन पर लटका देते थे और मैं उनका मैसेज कन्वे करता था, मतलब उनका मैसेज दूसरे राज्य में पहुँचा देता था। और सारे बिग ब्रदर्स, बड़े भाइयों, यू ऑल राइट, ये बात सही है, वी सल्यूट यू, कि हम आपको सल्यूट करते हैं। जो सारे ऑक्यूमेंट थे उन्होंने जो पिजन है उसको कहा कि आप तो बड़े भाई हो, आप तो सही बोल रहे हो और हम आपको सल्यूट करते हैं। और सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, ये जैसे कंप्यूटर है, सेल फोन है, मोबाइल है, ट्रांजिस्टर है, पोस्ट कार्ड है, सब आपस में मिलके गाना गाने लगे। कौन सा गाना लगे बच्चों, देखते हैं। वी ऑल द ग्रेट फ्रेंड्स, हम तो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। वी ऑल चेंज विद द चेंजिंग ट्रेंड्स, और हम समय के साथ बदलते रहते हैं। वी ऑल आर ग्रेट, नो वन इज बिग, हम सभी ग्रेट हैं, कोई किसी से कम नहीं है, ना कोई बड़ा है ना छोटा है। नो वन इज बिग, नो वन इज स्मॉल, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। वी आर हियर टू सर्व ऑल, और हम सभी लोगों की मदद करते हैं, सभी लोगों को मैसेज सर्व करते हैं, जानकारी इंफॉर्मेशन सर्व करते हैं। बच्चों ये जो चैप्टर है ये बहुत ही मज़ेदार है, और आपको ये इसकी रीडिंग लगानी है। इसे क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में करवाऊँगी। ओके बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे।